हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरभी पटेल आज आपसे 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के लिए जो केस किया गया था उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले ही कि कोर्ट खुल गए हैं और लिखित भर्ती परीक्षा 68,500 के लिए बहुत से केस डाले गए हैं और उनकी सुनवाई चल रही है। इससे पहले एक केस खारिज हो चुका था, अब इस दूसरे केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो यूपी टेट 2017 का जो मेन केस था, जिसकी वजह से जो हमारी परीक्षा 12 मार्च को होने वाली थी वो 27 मार्च को हुई है, वो अभी केस उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी जैसे ही पता होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये एक केस है 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के खिलाफ एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में लिखित परीक्षा के खिलाफ डाली गई स्पेशल याचिका पर आज सुनवाई होगी, मतलब आज उस पर सुनवाई हुई थी। और अनिल कुमार वर्मा के नाम से ये याचिका डाली गई थी स्पेशल याचिका, जिसकी सुनवाई जस्टिस लाखुर व गुप्ता जी की बेंच में हुई। और 68,500 अध्यापक लिखित परीक्षा के विरोध में अनिल कुमार वर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह दाखिल स्पेशल याचिका आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। मैंने जैसे कहा ही था कि केस चाहे जितने भी हों, इस समय सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा को कराने के लिए। तो वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी करके वो 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के द्वारा शिक्षक भर्ती कराएगा। तो सरकार प्रतिबद्ध है इस विषय में, और चिंता ना करिए आप लोग, 30 जुलाई का वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। बाकी इस समय जो सीटेट के एग्ज़ाम को लेके या सीटेट को लेके फॉर्म को लेके 17 जुलाई की डेट चल रही है कि 17 जुलाई को फॉर्म ऑनलाइन शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा, तो उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी आई थिंक ये याचिका खारिज हो गई, उसके पहले की याचिका खारिज हो गई, तो आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका यूपी टेट 2017 पे है वो भी होगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।